मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है दिन भर के बड़ी खबरों का। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और मेगन मार्केल ने अपने नए बच्चे का नाम आर्ची रखने की घोषणा की है। इस बात की जानकारी शाही दंपति ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट में घोषित किया है, जहां उन्होंने लिखा है कि मेरे बच्चे का पूरा नाम आर्ची हैरिसन माउंटबेटन विंडसर होगा। पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए भारतीय एजेंसियां लगातार कोशिश कर रही है, और इस बीच नीरव मोदी ने लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट में तीसरी बार जमानत की अर्जी दाखिल की, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। आपको बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 28 दिन के भीतर होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के वांकुरा में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ममता बनर्जी भारत के लोगों को पीएम नहीं मानती है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बड़े गर्व से प्रधानमंत्री जी कहती है। गौरतलब है कि इस चुनावी समर में मोदी और ममता बनर्जी लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और बीजेपी का लक्ष्य है कि पश्चिम बंगाल से 23 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा के सिरसा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और कहा कि सिरसा की जनता और किसानों को बताना चाहता हूं कि मोदी नकली वादे करते हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बीएसएफ से बर्खास्त जवान और सपा प्रत्याशी तेज बहादुर यादव की याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि तेज बहादुर यादव ने वाराणसी से नामांकन रद्द होने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका डाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में हुई एसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में परिणाम जारी करने पर लगी रोक हटा ली है। इसके साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार को एसएससी की नौकरियों में भर्ती को लेकर आयोजित सीजीएल 2017 के परिणाम जारी करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अगर पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों को जारी रखा तो भारत सरकार पाकिस्तान जाने वाले अपने हिस्से के पानी को रोक देगी। इसके साथ ही गडकरी ने कहा कि हमने इस मामले में एक अध्ययन भी शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि याचिका में राहुल गांधी पर कार्रवाई करने की मांग की गई थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम ने पिछले 5 साल में जुमलेबाजी की है, विदेशी यात्राएं करने और भाषण देने के अलावा कुछ नहीं किया है। गौरतलब है कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 12 मई को मतदान होना है। जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को घेरने में लगी हुई है। राफेल मामले पर रक्षा मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में एक और हलफनामा दाखिल किया है, और इस नए हलफनामे में कहा गया है कि याचिकाकर्ता अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा समेत अन्य की ओर से दिए गए दस्तावेज फर्जी और गलत हैं, इसलिए इस याचिका को खारिज कर दिया जाए। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर यूपी के अमेठी के एक युवक ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखने वाले युवक का नाम मनोज कश्यप है, जिसने इलेक्शन कमीशन से पीएम नरेंद्र मोदी को राजीव गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने से रोकने के लिए कदम उठाने की मांग की है। उड़ीसा में बीजू जनता दल पर निशाना साधते हुए बीजेपी चीफ अमित शाह ने कहा है कि उड़ीसा का विकास तभी होगा जब बीजेडी सत्ता से बाहर जाएगी। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेडी की रातों की नींदें उड़ गई है। जेडीयू के एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी द्वारा पीएम पद के लिए सीएम नीतीश कुमार की दावेदारी ठोकने पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पूरे देश में मोदी जी को पीएम बनाने के लिए समर्थन मिल रहा है, और उनके ही नाम पर सहयोगी दलों को भी जनता का समर्थन मिल रहा है। इसके साथ ही शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जिस तरह सूरज का उगना तय है, उसी तरह मोदी जी का पीएम बनना भी तय है।
पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी आतिशी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रो पड़ी और रोने के पीछे उनके खिलाफ एक पैम्पलेट बांटे जाने का आरोप है। और इसको लेकर उन्होंने कहा कि पैम्पलेट पूर्वी दिल्ली के भाजपा प्रत्याशी गौतम गंभीर ने बंटवाए हैं। आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी के घर खरीदने के पीछे वित्त वर्ष में बुक कराया गया फ्लैट निरस्त कराया है तो बिल्डर को उस फ्लैट के लिए किए गए जीएसटी भुगतान का रिफंड करना होगा। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि ऐसे रिफंड के बदले बिल्डर को क्रेडिट समायोजन की सुविधा भी मिलेगी। चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Xiaomi ने एक नया टीजर जारी किया है और इस टीजर इमेज में ट्रिपल ड्यूल और सिंगल कैमरे सेंसर को फीचर किया गया है, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी के अपकमिंग स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा दिया जा सकता है। एक रिसर्च में दावा किया गया है कि अगर आप 20 मिनट किसी ऐसे जगह पर बिताएं जहां प्राकृतिक का एहसास हो तो आप तनाव से मुक्ति पालेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव का मानना है कि युवा और अनुभव के संयोग के साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों की मौजूदगी के कारण भारत तीसरी बार वर्ल्ड कप जीत सकता है। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप 2019 30 मई से शुरू होने जा रहा है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय खन्ना और ऋचा चड्ढा पहली बार फिल्म सेक्शन 375 में नजर आएंगे। आपको बता दें कि यह फिल्म जल्द ही रिलीज हो सकती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन मैथ जीनियस शकुंतला देवी पर बनने वाले फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगी। आपको बता दें कि विद्या बालन को इस किरदार में देखने के लिए उनके फैंस काफी एक्साइटेड हैं। केदारनाथ यात्रा की शुरुआत 7 मई से शुरू हो गई है। वहीं आज ब्रह्मबेला में प्रातः 5:35 पर जय केदारनाथ के जयकारे के बीच भगवान केदारनाथ के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खुल गए। पीएम नरेंद्र मोदी आज बंगाल के बांकुरा और पुरुलिया के अलावा यूपी के आजमगढ़, जौनपुर और प्रयागराज में परेड ग्राउंड में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के छठे चरण में यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर 12 मई को मतदान होना है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने आप को अमीर के बजाय किसान, गरीब और बेरोजगार युवाओं का हिमायती बताते हुए दावा किया कि उनकी फोटो अनिल अंबानी जैसे किसी अमीर से गले मिलते हुए कभी नहीं दिखाई देगी। गौरतलब है कि राहुल लगातार राफेल मामले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और अनिल अंबानी पर लगातार निशाना साधते रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्व पीएम राजीव गांधी को लेकर दिए गए बयान के बाद भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। इसी बीच भाजपा नेता श्रीनिवासन प्रसाद ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर असहमति जताते हुए कहा कि पीएम मोदी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने केंद्र सरकार की आपत्तियों को खारिज करते हुए जस्टिस अनुरुद्ध बोस और एस बोपन्ना का नाम फिर से भेजा है। आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय की ओर से इन दोनों जजों का नाम दोबारा भेजे जाने के बाद अब केंद्र सरकार इन्हें नियुक्त करने के लिए बाध्य है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह आज यूपी के बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और सुल्तानपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं शाह आज शाम में वाराणसी में संतों से भी मुलाकात करेंगे। दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में 15 साल तक बंधक बनाकर रखी 29 वर्षीय युवती को छुड़वाया है। इसके साथ ही युवती से घरेलू काम कराने वाली मालकिन के खिलाफ बिंदापुर थाने में आईपीसी की धारा 374 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मशहूर कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन बेबी के शैम्पूज में सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले रासायनिक तत्व फॉर्मोलिहाइड पाए जाने के बाद यूपी में इसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि FSDA की टीम ने बुधवार को कंपनी के लखनऊ स्थित सेंट्रल स्टोर पर छापा मारकर कंपनी के उत्पाद के साथ नमूने लिए थे। ऐप बेस्ड कैब सर्विस देने वाली अमेरिका की कंपनी उबर कल $9 अरब का IPO ला रही है। वहीं इस IPO के आने से पहले ही कंपनी और कैब चलाने वाले ड्राइवर के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल की कीमतों में लगातार तीसरे दिन गिरावट का दौर जारी है। आपको बता दें कि आज देश के 4 बड़े राज्य में पेट्रोल की कीमत में 7 से 10 पैसे तक की गिरावट दर्ज की गई। वहीं अगर बात करें डीजल के कीमतों की तो प्रति लीटर डीजल की कीमतों में 10 पैसे की कमी आई है।
उच्चतम न्यायालय ने सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह के खिलाफ दायर जनहित याचिका को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। वहीं इसके अलावा शीर्ष अदालत ने इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर से भी इस संबंध में जवाब मांगा है। दिल्ली पुलिस ने क्रेडिट कार्ड से ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह को पकड़ा है। आपको बता दें कि शुरुआती कार्रवाई में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। चुनावी मौसम है और इस मौसम में नेताओं द्वारा जनता से वादे का दौर जारी है। इसी बीच पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरदुलगढ़ में हल्का बठिंडा के कांग्रेस उम्मीदवार अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग के पक्ष में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब में 1.2 लाख नौकरियों के पदों को जल्द भरा जाएगा। इसके साथ ही कैप्टन ने पंजाब की पिछली अकाली बीजेपी सरकार पर सरकारी फंडों का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। भारत और तुर्की ने द्विपक्षीय व्यापार को 2020 तक 10 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बुधवार को आर्थिक संबंधों को बढ़ाने का संकल्प लिया है। आपको बता दें कि अभी भारत और तुर्की के बीच द्विपक्षीय बाजार 8.6 अरब डॉलर का है, जिसे 2020 तक 10 अरब डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा के रोहतक पहुंचे कांग्रेसी नेता नवजोत सिंह सिद्धू पर एक महिला ने चप्पल फेंक दिया। हालांकि चप्पल सिद्धू को नहीं लगी। वहीं इस घटना के बाद सिद्धू पर चप्पल फेंकने वाली महिला को हिरासत में ले लिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे विवेक द्वारा दायर एक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता जयराम रमेश को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज 20,000 रुपए के निजी बॉन्ड पर जमानत दे दी है। आपको बता दें कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी। अमेरिका पहुंची करीब 100 प्राचीन कलाकृतियों को भारत पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भारत वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ये मूर्तियां ईसा पूर्व सदी से लेकर 12वीं सदी तक के इतिहास से जुड़ी हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति नहीं है जो मोदी जैसी झूठी राजनीति करता हो। गौरतलब है कि देश में चुनावी मौसम है और आए दिनों नेताओं द्वारा जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कृषि कर्ज माफी जैसे लोक लुभावन कार्यक्रमों से प्रदेश सरकार के खजाने पर बढ़ते बोझ के मद्देनजर आरबीआई ने राज्यों में राजकोषीय संतुलन डगमगाने के बारे में आगाह किया है। आपको बता दें कि आरबीआई ने बीते दिन 15वें वित्त आयोग के साथ बैठक कर इस बारे में संकेत दिया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित विक्रम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने फेसबुक पर भाजपा को लोकसभा चुनाव में 300 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की है, जिसके बाद प्रोफेसर राजेश्वर शास्त्री को निलंबित कर दिया गया है। गौरतलब है कि 23 मई को देश में लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। यह थी अब तक की फटाफट खबरें और अब उनके लिए अच्छी खबर जो सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं। जी हां, अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 10 नए वैकेंसी के बारे में इस खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसलिए आप इस इन्फॉर्मेशन को गौर से देखिए और इस पर अमल कीजिए। हो सकता है आपको इनमें से कोई एक नौकरी मिल जाए। जी हाँ, सबसे पहला वैकेंसी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज में, जिनमें पदों की संख्या है 33। पद का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर। आवेदन की अंतिम तारीख है 25 मई 2019। आवश्यक योग्यता साइकोलॉजिकल मेडिसिन में MD या समकक्ष योग्यता। आवेदक की आयु 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मासिक आय नोटिफिकेशन के अनुसार वेतनमान 55,000 से 70,540 रुपए रहेगा। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार www.nimhans.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनना चाहते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि अब मैं आपके लिए एक और सरकारी नौकरी का इन्फॉर्मेशन लाया हूँ। इसे ध्यान से देखिए और इस पर अमल कीजिए। यह वैकेंसी है कैनफिन होम्स लिमिटेड में, जिनमें पदों की संख्या है 24 और पद का नाम है जूनियर ऑफिसर। आवेदन की अंतिम तारीख है 18 मई 2019। आवेदक की आयु 23 से 37 होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता आवेदक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में डिग्री, डाटा एंट्री एवं कंप्यूटर पर कार्य करने की दक्षता की वरीयता दिया जाएगा। मासिक आय नोटिफिकेशन के अनुसार वेतनमान 40,000 प्लस अनभत्ते रहेंगे। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार www.canfinshomes.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं है तो ज्यादा सोचने की कोई बात नहीं है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल ने भी वैकेंसी निकाली है। पदों की संख्या है 50 और पद का नाम है जूनियर रेजिडेंट। आवेदन की अंतिम तारीख है 14 मई 2019। आवेदक की आयु 35 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता MCI द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय संस्थान से MBBS डिग्री होना चाहिए। मासिक आय 45,600 से 59,100 रुपए है। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार www.delhi.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं आई तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी ने 20 पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। पद का नाम है साइंटिस्ट। आवेदन की अंतिम तारीख है 25 मई 2019। आवेदक की आयु 30 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता 55% अंकों के साथ PhD डिग्री होना चाहिए। पे स्केल है 55,650 रुपए। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन लिंक www.rcb.res.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि यह नौकरी भी आपके लायक नहीं है तो कोई बात नहीं, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 225 पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। पद का नाम है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। आवेदन की अंतिम तारीख है 13 मई 2019। आवश्यक योग्यता रूरल मैनेजमेंट सोशल वर्क इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट या MBA के साथ 4 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 28 वर्ष होनी चाहिए। मासिक आय है नोटिफिकेशन के अनुसार वेतन मान 35,000 से 41,540 रहेगा। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार www.edi.india.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर नहीं बनना चाहते हैं तो फिक्र मत कीजिए, क्योंकि अगली वैकेंसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस धनबाद ने निकाली है। पदों की संख्या है 8 और पद का नाम है लाइब्रेरी ट्रेनी। आवेदन की अंतिम तारीख है 12 जून 2019। आवेदक की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में प्रथम श्रेणी से मास्टर डिग्री के साथ कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। मासिक आय नोटिफिकेशन के अनुसार वेतनमान 50,000 प्लस अन्य भत्ते रहेंगे। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन वेबसाइट www.iitism.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपको यह वैकेंसी भी अच्छी नहीं लगी तो घबराने की कोई बात नहीं, अगली वैकेंसी इंडियन एयरफोर्स ने निकाली है। पदों की संख्या है 10 और पद का नाम है ग्रुप सी सिविलियन। आवेदन की अंतिम तारीख है 10 जून 2019। आवश्यक योग्यता आवेदक के पास मैट्रिकुलेशन के साथ कैटरिंग में डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। पे स्केल है 44,000 रुपए। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार www.indianairforce.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप असम राइफल्स पब्लिक स्कूल में भी अप्लाई कर सकते हैं। पदों की संख्या है 15 और पद का नाम है प्रिंसिपल। आवेदन की अंतिम तारीख है 25 मई 2019। आवश्यक योग्यता प्रथम श्रेणी से मास्टर डिग्री के साथ BEd या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MEd के साथ PGT का 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पे स्केल है 36,900 रुपए से 50,000 रुपए। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन लिंक www.assamrifleschool.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, और अगली वैकेंसी ICMR NIN हैदराबाद ने निकाली है। पदों की संख्या है 30। पद का नाम है टेक्निकल असिस्टेंट। आवेदन की अंतिम तारीख है 21 मई 2019। आवश्यक योग्यता योको मिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी लाइफ साइंस में कम से कम 60 अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। आवेदक की आयु 23 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पे स्केल है 55,600 रुपए से 59,100 रुपए। योग्य उम्मीदवार www.icmr.nic.in/hyderabad पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, आज की आखिरी बम्पर भर्ती इंडियन नेवी ने निकाली है। इंडियन नेवी ने 172 पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। पद का नाम है चार्जमैन। आवेदन की अंतिम तारीख है 24 मई 2019। आवश्यक योग्यता आवेदक मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। आवेदक की आयु 25 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पे स्केल है 31,000 रुपए। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार www.joinindianarmy.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, उपरोक्त सभी वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखें, आपके डॉक्यूमेंट में जो विवरण हो वही भरें, अन्यथा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।
तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सके अपडेट।